हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपके पास विंडो 10 है और यदि वो किसी वजह से डीएक्टिवेट हो चुकी है, या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ चुका है आपके यहाँ पर, यानी ये आइकन आया हुआ है, और तो इसका रीज़न यही है कि अब आपकी जो विंडो है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए वैसे तो आपके पास एक लीगल की का होना ज़रूरी है। मान लेते हैं आपके पास लीगल की नहीं है, तो अब हम कैसे फ्री में इसको एक्टिवेट करें? तो एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, उसके लिए ये वीडियो ध्यान से देखें तो आपकी विंडो 10 एक्टिवेट हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आपकी विंडो जो है वो डीएक्टिवेट है या एक्टिवेट है। ये देखो, कई बार यहाँ पर सिंबल नहीं भी शो होता है, जब आप नेट से कनेक्टिविटी करते हो तो ही यहाँ पर सिंबल शो होता है, अदरवाइज नहीं भी शो होता। पता करने के लिए हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पर सिंबल आता है विंडो एक्टिवेशन का, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है? तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते ही यहाँ पर भी एक्टिवेटेड लिखा जाएगा, और ये जो आइकन आया हुआ है यहाँ पर, विंडो एक्टिवेट्स, एक्टिवेट विंडो, गो टू सेटिंग टू एक्टिवेट, ठीक है? तो ये आइकन भी यहाँ से चला जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल में आपने लिखना है विंडो 10, विंडो 10, देखो मैंने पहले से ही लिख रखा है विंडो 10 एक्टिवेट टेक्स्ट, विंडो 10 एक्टिवेट टेक्स्ट, ये करके आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक लिंक खुलेगा, जो पहला लिंक होगा, थोड़ा हमारे नेट की स्पीड थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर जो पहला लिंक खुला हुआ है गेट .msguides.com, इस पे आपने जाना है, यानी पहला ही लिंक दिया गया है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पेज खुलेगा, उस पेज में कुछ टेक्स्ट फाइल होंगी, उन टेक्स्ट फाइल को आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। पहले हम क्लिक कर देते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया और अब फाइल खुलेगी, तो ये हमारे सामने एक फ़ाइल खुल गई है। इस फाइल को हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट ऑल करके आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके अब आपने पेस्ट करना है, सॉरी नोट पैड ओपन करना है, नोट पैड, नोट पैड को ओपन करके यहाँ पर नोट पैड में पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप ध्यान से देखो, सेव पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है एक्टिवेट डॉट BAT ये लिखना है। और सेव फाइल को सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने यहाँ से वायरस प्रोटेक्शन ऑन कर रखी है तो ये फाइल क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन कुछ ही टाइम में डिलीट हो जाएगी, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वायरस प्रोटेक्शन ऑफ करें, कुछ टाइम के लिए करनी है। पहले मैं एग्जांपल दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे मैंने सेव किया यहाँ पर, तो सेव करते ही देखो यहाँ पर वायरस का एरर आ चुका है कि भाई थ्रेड फाउंड हो चुकी है, मतलब एक तरह का बैट फाइल जो होती है ये वायरस में काउंट कर लेता है इस चीज़ को ये। तो अब ये क्या करेगा, डिफाइंडर जो होता है हमारी विंडो 10 के अंदर, वो इसको डिलीट कर देगा, यानी रन होने ही नहीं देगा। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ से डिलीट भी हो चुकी है, अपने आप वो डिलीट हो चुकी है ना, मैं कह रहा था कि आपकी फ़ाइल जो है डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने डिफाइंडर में आएंगे, वायरस प्रोटेक्शन में, तो इसको कुछ टाइम के लिए, जब तक एक्टिवेट नहीं होती तब तक हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आना है अपने अपनी सेटिंग में, यहाँ पर वायरस प्रोटेक्शन में आना है, वायरस प्रोटेक्शन में रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है? रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है, और अब इसको कट करो। और अब यहाँ पर आप नोट पैड में आओगे, तो नोट पैड में दोबारा से फाइल को सेव करना पड़ेगा अब आपको, तो सेव में मैंने लिखना है एक्टिवेट डॉट BAT, तो ये लिखना है, और मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है, तो डेस्कटॉप पे ये फाइल आ चुकी है, तो अब इसको आप काट भी सकते हो। तो ये फाइल जो है आपकी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ चुकी है, मैंने रिफ्रेश किया। तो अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ध्यान से देखना, अभी आपकी विंडो एक्टिवेट होगी, और शायद एक बार में ना हो तो दोबारा आप इसको ट्राई कर लें, दो बार में शायद एक्टिवेट हो जाए, तो पहले देखते हैं कि वन टाइम में एक्टिवेट होती है नहीं। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको यस करना है, तो यहाँ पर बस आपने वेट करना, कुछ नहीं करना, रन करके यहाँ पर लिखा रहा एक्टिवेटिंग योर विंडो, तो सर्वर से कनेक्टिविटी होगी
और थोड़ी देर में यहाँ पर आपकी विंडो जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और आप ध्यान देना, जब विंडो एक्टिवेट होगी तो यहाँ से ये सिंबल जो है ये हट जाएगा। हाँ, इसमें कुछ 1 मिनट या 2 मिनट लग सकते हैं, तो वेट करते हैं। देखो एरर आया हुआ है, कनेक्शन टू फील्ड, लेकिन कनेक्टिविटी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो कि जो है ये सिंबल जो है वो चला गया है। अभी यहाँ पर लिखा भी आएगा योर विंडो इज एक्टिवेट सक्सेसफुली। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो, एक्टिवेट जो सिंबल आया हुआ था यहाँ पर वो चला जा चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्टिवेट सक्सेसफुली, यानी हमारी जो विंडो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये कह रहा कि आपने ब्लॉग पे विजिट करना, तो आप एन दबा देना यहाँ पर, तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। यानी अब हमारी विंडो जो है एक्टिवेट हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए हम वापस से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा रहा है विंडो इज़ एक्टिवेटेड। तो यानी अब आपकी विंडो जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब ना यहाँ पर कोई सिंबल आएगा, ना एक्टिवेट का कोई एरर आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप फ्री में कैसे विंडो 10 को एक्टिवेट कर सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।